नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर आएंगे। अमित शाह दोपहर 1:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो कनकेश्वरी गरबा मैदान जाएंगे और विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें इंदौर संभाग के बूथ लेवल कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में 50,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का बीजेपी दावा कर रही है। कार्यक्रम स्थल पर मंच के साथ कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए 3 विशाल वाटर और सनप्रूफ डोम बनाए गए हैं। इसके अलावा वो होटल मेरियट में संभागीय कोर कमेटी की बैठक लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा, कार्यक्रम स्थल और शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2,000 जवानों की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मी चौक चौराहों और मकानों पर मुस्तैद रहेंगे। बाइक पुलिस पूरे शहर में पेट्रोलिंग करेगी। तो देखिए, मिनट टू मिनट कार्यक्रम गृह मंत्री के जो आज रहने वाले हैं, उसकी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अभियान का आगाज करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर आएंगे। दोपहर 1:30 बजे के बाद इंदौर पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यहां से वे भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जानापाव पहुंचेंगे। शाह के आगमन को लेकर पहाड़ी पर बड़ी संख्या में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सुबह से दोपहर 3 बजे तक आम जनता के लिए जानापाव बंद रहेगा। अमित शाह का हेलीपैड साकुर खूंटी थाना क्षेत्र में आने वाले नए ट्रैक्स पर बनाया गया है। शाह हेलीपैड से सड़क मार्ग से जानापाव पहुंचेंगे। आज इंदौर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस की ओर से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी इंदौर में मौजूद हैं। आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बीजेपी भी आज यहां से चुनाव का शंखनाद करेगी, जहां अमित शाह इंदौर पहुंच रहे हैं। 1:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। यहां से वो कनकेश्वरी गरबा मैदान जाएंगे और विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पहले की। लगातार अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे हैं और आज एक बार फिर इंदौर आएंगे। पहले भोपाल भी आने का शेड्यूल था, लेकिन भोपाल दौरा उनका रद्द हो गया, जिसके चलते अब सिर्फ वो इंदौर जाएंगे और 1:30 बजे तक इंदौर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यहां से वे भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली पहुंचेंगे और ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से आज इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद विधानसभा नंबर 2 स्थित कनकेश्वरी गरबा मैदान में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें इंदौर संभाग के बूथ लेवल कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में 50,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया गया है। शाह देर शाम होटल मैरियट में संभागीय कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये जानकारी दी कि शाह की सभा की पूरी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में पूरा जिम्मा था। जो भी कार्यक्रम आज हो रहा है, होने वाला है, कुछ ही देर में शुरू होगा, उसकी सारी जिम्मेदारी महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने देखी और उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता योगेश की ओर। योगेश, मिनट टू मिनट क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा आज अमित शाह का? देखिए, इंदौर में अमित शाह का ये दौरा है बहुत मायने रखता है, क्योंकि मालवा निमाड़ जो सीटें हैं वो बहुत अहम हो गई और इस आदिवासी बेल्ट में जो आदिवासी बेल्ट है वहां पर जय से बहुत अपना जो प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। तो मालवा निमाड़ में जो मध्यप्रदेश की जो एक बहुत बड़ा जो विधानसभा की जो सीटें अधिक अत्यधिक सीटें इधर आती है मालवा निमाड़ में, तो यहाँ पर अमित शाह का जो दौरा है बहुत मायने रखता है। इंदौर में 3 दिनों में 72 घंटे में इतनी भव्य तैयारी को करना
बहुत अहम चुनौती थी कैलाश विजयवर्गीय और रमेश बंदरा टीम के और भारतीय जनता पार्टी की नगर की टीम के लिए, लेकिन बहुत मुश्तैदी से वो पूरी टीम जुटी और 72 घंटे में ये पूरी तैयारी करी। लगभग 50,000 जो कार्यकर्ता है इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं, बूथ के जो सम्मेलन के कार्यकर्ता, संभाग के जो कार्यकर्ता, 50,000 कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा जो ये तो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, कल कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, वो भी अमित शाह को टीम में आएंगे। तो इसलिए तैयारियां भी उसी तरह से की गई। 3 बड़े डोम बनाए गए हैं, 3 बड़े डोम में वाटर प्रूफ डोम में, ताकि बारिश के कारण से कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो अमित शाह के जो है सभा को लेकर। तो अमित शाह का जो दौरा है 3 बार परिवर्तित हुआ है, 3 बार ये कार्यक्रम भेजा गया था 3 बार और 3 बार संशोधित हुआ है। और रात्रि में फाइनल हुआ कि अमित शाह जो है यहाँ पर 1:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से वो सीधे जाना पाव जाएंगे, क्योंकि पहले कैलाश विजयवर्गीय कल ये कहा था कि उन्होंने हमें ज्यादा थोड़ा समय मिले ताकि वो जाना पाव के जो दर्शन करने के बाद में अमित शाह यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद लगातार इनके कार्यक्रम में मैरिट होटल में भी इनका कार्यक्रम, तो 2 बजे जाना पाव से आने के बाद में दोपहर 3 बजे कनकेश्वरी मंदिर जो गरबा स्थल है जो आईटीआई के पास में, वहां पर बूथ कार्यकर्ताओं के संबंधन को संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ से वो सीधे शाम को 5 बजे होटल मेरिट जाएंगे, मेरिट होटल में भी बैठक लेंगे और इसके बाद में वहाँ भोजन भी होगा, अमित शाह का भोजन भी यही दौर रही है। और उसके बाद से 8:15 बजे के लगभग में वो एयरपोर्ट। बिल्कुल योगेश, इस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, मिनट टू मिनट 1:30 बजे करीब अमित शाह इंदौर पहुंचेंगे, लेकिन ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि किस तरह से हलचल देखने को मिल रही है बीजेपी कार्यालय में, एयरपोर्ट पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, कितने नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ स्वागत किया जाएगा, कार्यक्रम स्थल में क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए वीडी शर्मा पहुंच चुके हैं, वीडी शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी ले लिया है, स्थल का पूरा मुआयना कर लिया है, किस तरह बैठक व्यवस्था है, किस तरह का मंच लगाया जाएगा और किस तरह से पार्किंग की व्यवस्था है, क्योंकि संभाग से पूरे संभाग के जो कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं, तो पार्किंग की व्यवस्था बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि जो अमित शाह का जो दौरा उसमें ये बाईपास का रोड भी आ रहा है, तो शहर से निकलेंगे, तो राधा मंडल जाने के लिए जो रूट है, जो जाना पाव जाने के लिए रूट है, तो इसलिए पूरी पुलिस व्यवस्था जो कल रात्रि से पूरे शहर में पुलिस व्यवस्था लग गई थी, और हर चौराहे पे प्रमुख चौराहों पे पुलिस तैनात थी, शहर के मध्य क्षेत्र में भी भारी मात्रा में पुलिस बल बाहर से बुलाए गए, डिप्यूट किया गया और इंदौर का पुलिस बल भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति जो है वो बहुत सुरक्षित तरीके से यहाँ लगाई गई, 2x8x मंच तैयार किया गया, जहाँ पर अतिथि बैठेंगे, अश्विनी वैष्णव भी इंदौर आ चुके, अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री वो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। उसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, परशुराम जी की जो जन्मस्थली है उसमें जाने का एक अहम कारण ये है कि ब्राह्मण जो वोट है वो काफी नाराज पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, इस तरह से आज तमाम जो कार्यक्रम है उसका जायजा भी वीडी शर्मा ने लिया है, और धीरे धीरे अब जैसे जैसे समय करीब आएगा, वरिष्ठ नेता जो है मध्य प्रदेश के वह वहां पर पहुंचेंगे इंदौर, अमित शाह के साथ सम्मेलन में शामिल होंगे, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लेकिन इसके साथ ही आज छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, और ऐसे में आज कांग्रेस की ओर से भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी वहां पर मौजूद है, आज अमित शाह भी यहां पर पहुंचे, और ऐसे में तमाम तैयारियां जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी लगातार की जा रही है। कल रात से ही जिस तरह से आपने जानकारी दी है, पुलिस जवान जो है पेट्रोलिंग कर रही है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिहाज से नजर रखी जा रही है, ऐसे में आम जनता को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई, किस तरह से डायवर्शन किया गया है? देखिए एक सबसे बड़ी सुकून वाली बात है कि आज है रविवार, और रविवार का दिन क्या होता है, ऑफिस और स्कूलों के लिए छुट्टी का दिन होता है, तो इसलिए सुकून की बात है कि ट्रैफिक जो है वो ज्यादा बाधित नहीं हुआ। लोगों को पता है कि अमित शाह और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आ रहा है, इसलिए वीआईपी मूवमेंट रहेगा, तो वीआईपी मूवमेंट रहेगा तो वो अभी घर से बाहर नहीं निकलने की कोशिश कर रहे थे, कि कई जगह उन्होंने रूट डाइवर्ट कर रखा है, जो विजयनगर के क्षेत्र का वो रूट डाइवर्ट कर रखा है, पुलिस को सारा रूट भी पब्लिक करवा दिया, सारे अखबारों में भी आ चुके, हम लोगों ने भी इस रूट को पूरा बता दिया है जिस तरह का रूट रहेगा। तो रविवार का दिन होने के कारण से ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो लोग बाहर निकलते हैं वो इंदौर से बाहर आउटिंग के लिए निकलते हैं, जो कि पिकनिक स्पॉट है, तो वहां पर इतना ज्यादा ट्रैफिक का जो जाम वाली स्थिति नहीं बनेगी, और कहीं डायवर्शन भी नहीं है। शहर के मध्य क्षेत्र में जो शहर जहाँ पर जैसे रुद्राभिषेक में संजय शुक्ला के रुद्राभिषेक में शामिल हुए हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, तो वो शहर का मध्य क्षेत्र है, तो वहां पर भी पूरी ट्रैफिक व्यवस्था लगाई गई है। वीआईपी जो रूट है वो वीआईपी रूट और जाता परिमंडल साइड में,
तो वहां पर पूरी पुलिस व्यवस्था लगाई गई, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। लेकिन रविवार का दिन होने के कारण ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है इंदौर शहर में लोगों के लिए, क्योंकि घर में लोग आज आराम कर रहे हैं। जैसे कि रविवार का दिन होता तो लोग 3-4 बजे तक आराम करते हैं, अपने घर के काम निपटाते, उसके बाद में कहीं आउटिंग में निकलते हैं या कहीं बच्चों को लेकर घूमने निकलते हैं। तो रविवार का दिन होने के कारण से कोई विशेष तकलीफ या जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी। तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिनट टू मिनट प्रोग्राम रहेगा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह दोपहर 1:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से शाह दोपहर 2 बजे जानापाव में भगवान परशुराम की जन्मस्थली पहुंचकर दर्शन करेंगे और 3 बजे मां कनके देवी मंदिर RTI के पास आयोजित बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे होटल मैरियट में बैठक को संबोधित करेंगे और रात में 8:15 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।